नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आयुरस हीलिंग हब में। पानी हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। सही मायनों में हवा के बाद पानी ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पानी या वाटर जितना जरूरी हमारी लाइफ के लिए है, उतना ही जरूरी है कि हम ये जाने कि पानी को ठीक तरह से पीने का क्या तरीका है, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। आयुर्वेद में तो बताया है कि अगर हम पानी का उपयोग ठीक तरह से करते हैं, जैसा वर्णन किया गया है, तो पानी अमृत की तरह काम करता है। और अगर वही पानी हम गलत तरीके से पिए, गलत क्वांटिटी में लें, तो उसके गुण पॉइजन की तरह यानी विष की तरह हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसी गलतियां जो अक्सर सभी लोग करते हैं पानी पीते हुए, और कैसे उन्हें ठीक किया जाए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहली गलती जो मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ वो ये है कि हम पानी को एक्सेसिव अमाउंट में पीते हैं। एक्सेसिव अमाउंट यानी कि बिना प्यास लगे भी हम पानी पी लेते हैं। ऐसा यूजुअली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि 6 से 8 ग्लास पानी दिन में पीना बहुत जरूरी है, 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। मेरी समझ से ये सब मिथ है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में तो बताया है कि हर इंडिविजुअल यानी हर व्यक्ति अलग है, उसकी पानी लेने की क्षमता या उसकी पानी लेने की जरूरत भी अलग है। आयुर्वेद में बताया है कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन भी हर मनुष्य का अलग होता है। इसलिए आयुर्वेद में प्रकृति एनालिसिस करते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोगों की प्रकृति वात होती है, कुछ लोगों की पित्तज होती है, कुछ लोगों की कफज होती है। उसी अकॉर्डिंग आयुर्वेद में बताया है कि प्रकृति के अकॉर्डिंग ही सबकी पानी लेने की जरूरत भी अलग है। जैसे कफ व्यक्ति जो है या जिन लोगों की प्रकृति कफ है, उनको कम पानी की जरूरत होगी, इसलिए उनको कम प्यास लगेगी, तो उन्हें ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग पित्त प्रकृति के हैं या वात प्रकृति के हैं, उनकी कंपैरेटिवली पानी की जरूरत ज्यादा होगी, तो उन्हें ऑटोमेटिकली ज्यादा प्यास लगेगी। तो इन शॉर्ट हमें प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए। जैसे व्यक्ति की जरूरत अलग अलग हो सकती है, इसी तरह टाइम के अकॉर्डिंग कि आप किस मौसम में, गर्मी में पानी की जरूरत ज्यादा हो सकती है, स्थान के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ रह रहे हैं, अगर आप ठंडी जगह में रह रहे हैं तो पानी की जरूरत कम होगी, और अगर आप किसी गर्म जगह में रह रहे हैं तो हो सकता है पानी की जरूरत ज्यादा हो, तो आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा प्यास लगेगी। इसलिए प्यास लगने पर ही पीना चाहिए। ऐसा नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही है, 2 से 3 लीटर पानी पीना ही है। अगर आप एक्सेसिव पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। जो हमारी बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं जो पानी में ही डिजॉल्व रहते हैं, वो ज्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस बिगड़ जाता है, और किडनी और हार्ट पर भी प्रेशर बढ़ता है काम करने का। तो पानी उतना ही पीजिए जितनी आपको प्यास लगती है। सेकेंड जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, पहले मैं भी ये गलती करती थी, कि पानी बहुत स्पीड से पी जाते हैं, एक ही सिप में पूरा ग्लास खत्म कर देते हैं। ये भी बहुत गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें पानी रुक रुक के पीना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसका जो एनवायरमेंट है वो एसिडिक होता है, और जो हम पानी पीते हैं वो तो न्यूट्रल है, लेकिन जो हमारी सलाइवा यानी कि हमारी थूक है, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसका मीडियम जो है वो बेसिक होता है। तो अगर हम पानी आराम से पिए और अपने माउथ के अंदर की सलाइवा को पानी में मिक्स कर लें, तो पानी जो है वो बेसिक हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, और जब वही पानी हमारे स्टमक में जाएगा तो वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करेगा। इससे जिन लोगों को एसिडिटी बनती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हम एक ही साथ पानी पी लेंगे तो पानी का मीडियम नहीं बदलेगा और एसिडिक मीडियम जो है वो स्टमक में बना रहेगा, एसिडिटी ज्यादा रहेगी। तो इसलिए आपको पानी आराम से पीना चाहिए, चारों तरफ मुंह में घुमाना चाहिए बल्कि, और फिर अंदर लेना चाहिए। तीसरी जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि हम पानी को प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर करते हैं और फिर पीते हैं। ये भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बॉटल में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे पानी में आने लगते हैं। इन केमिकल्स को हम फैलेटस बोलते हैं। ये हमारे बालों से भी पतले होते हैं और धीरे धीरे पानी में घुलते रहते हैं। स्पेशली अगर पानी बहुत टाइम से उसमें स्टोर हो रहा हो, मतलब प्लास्टिक बॉटल में बहुत लंबे टाइम से रखा गया हो, या फिर गर्म टेम्परेचर पर हो, और ये केमिकल्स आगे चल के कैंसर तक कर सकते हैं, इतनी बड़ी समस्या को कर सकते हैं।
तो अब बात आई हमें कहाँ पानी स्टोर करना चाहिए। हमें पानी जो है वो ग्लास की बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, स्टील की बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। ये सब तरीके अच्छे हैं, पानी की क्वालिटी को खराब नहीं करते, हमें इसी तरह पानी पीना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक जो लोग कॉमनली करते हैं, वो खाने के तुरंत बाद जो है वो पानी पी लेते हैं। इसमें भी मैं देखती हूँ लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि क्या खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए, क्या खाने के साथ साथ पानी पीना चाहिए, या खाने से पहले ही पानी पीना चाहिए। तो आयुर्वेद कंसेप्ट इसमें क्या कहता है, आयुर्वेद बताता है कि जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उन्हें खाने से पहले पानी पी लेना चाहिए, और जो लोग खाने के बाद पानी पीते हैं उनका वेट बढ़ सकता है। तो जो लोग बहुत पतले हैं वो खाने के 10-15 मिनट बाद पानी पी सकते हैं, परंतु जो नॉर्मल लोगों के लिए बताया है तरीका वो ये बताया है कि खाना खाते खाते बीच में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी 1-2 सिप पानी पीना चाहिए। बहुत लोग इसके लिए मना करते हैं, बट आयुर्वेद में ऐसा करने के लिए बताया है और उसका रीजन भी बताया है कि अगर हम खाना खाते खाते थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो हमारे एंजाइम्स जो हैं वो खाना जो है अच्छे से डिजॉल्व होता है, अच्छे से चबा पाता है, और उसका जो मीडियम है एसिडिक बनता है धीरे धीरे और वो अच्छे से काम करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो खाने में तभी डिजॉल्व हो सकते हैं जब खाना पूरा का पूरा सॉलिड ना रहकर थोड़ा लिक्विड फाई हो जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी खाने के बीच बीच में पीना चाहिए, ये जरूरी है। फिफ्थ गलती जो मैं देखती हूँ अक्सर लोग करते हैं वो है एकदम चिल्ड पानी पीना। बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे आपको जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका गला खराब हो सकता है। आपको पानी आयुर्वेद ने ऐसा बताया है कि पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, या फिर गर्मियों में आप घड़े का पानी पी सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा उष्णोदक पानी, सर्दियों में कहा है उष्णोदक, या गर्मी को छोड़ के यानी कि बाकी सभी कंडीशंस में जैसे रेनी सीजन है, स्प्रिंग है, सर्दियां हैं, उन सभी में आप सुबह उठकर थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर का पीना चाहिए, और गर्मियों में घड़े में रखकर, घड़े में जो आप पानी रखते हैं वो इतना ठंडा होता है कि आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, पानी पीकर अच्छा भी लगेगा। तो आपको गर्मियों में घड़े का पानी पीना चाहिए, अदरवाइज रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, बिल्कुल बहुत ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। सिक्स्थ मिस्टेक जो मैं देखती हूँ आजकल की लाइफस्टाइल में लोग करते चले आते हैं, भाग दौड़ की लाइफ है आजकल, सब हर कोई जल्दी में है, अक्सर लोग पानी लेते हैं और खड़े होकर ही पानी पी लेते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। आपको पानी बैठकर आराम से तसल्ली से पीना चाहिए। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो उसके दो नुकसान है, एक तो जब पानी सीधा आपकी ईसोफेगस से स्टमक पे लगता है और चोट करता है जब आप स्पीड से खड़े होकर पानी पीते हैं, दूसरा आपका ब्रेन आपकी मसल्स रिलैक्स नहीं होती। अगर आप बैठ के पानी पीते हैं आपका ब्रेन भी रिलैक्स होता है, आपकी मसल्स भी रिलैक्स होती हैं और पानी का डाइजेशन अच्छे से होता है। तो आप सबको बैठकर आराम से पानी पीना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पानी किस तरह पीना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम ठीक तरह से पानी पिए, ठीक तरह से उसे स्टोर करें और ठीक क्वांटिटी में उसको लें। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। धन्यवाद।